बहुत ही शर्म की गल है कि सरकार हुण इन्नी नकम्मी हो गई है कि जिथे गुंडिया का राज चल रहा है अज चोणां जिहड़ी एक डेमोक्रेटिक राइट होंदी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने जोगे भी नहीं है सरकार रही जितन वास्ते इन्हां नूं जोर ते जबर दा सहारा लेना पैंदा हैगा ते एक पार्टी दे प्रधान दे उत्ते हमला होए जिहड़ा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं होम मिनिस्टर जे इस लैवल दे उत्ते शरेआम गोलियां चलन पथराव किया जाए तो अज ये नाल ही अंदाजा लगा जा सकता है कि जिदे कोल बेचारे दे किसे दी पहुँच नहीं उस गरीब का की हाल हो रहा होगा इस सरकार दे उत्ते। तो बहुत ही शर्मनाक गल कि ये अपने लोगों नूं अपना लोकतांत्रिक हक इलेक्शन लड़न दा उहदे वास्ते इन्हां दे पहले नामकरण नहीं किया जा रहा है कागज़ रद्द किए जा रहे हैं जोर जबर दे नाल डराया धमकाया जा रहा है सब कुछ जिहड़ा उत्थे होया सीगा अपने पंचायती चोणां च उही सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं दावे नाल कह सकदी हाँ बड़ा शानदार रिजल्ट श्रोमणी अकाली दल का होगा तो जवाब दोगी जनता नूं इस झूठी सरकार नूं जिहड़ी झूठी सौं खा के सब वादियों तो मुकर के जोर दे जबर दे सहारे सोचते कुर्सी च बैठ सकते हैं। आ पहली जित होगी जब रिजल्ट निकलेंगे तो अगली जित 2022 च श्रोमणी अकाली दल की होगी जिथे इस माड़ी सरकार नूं उखाड़ के रोकी सके। झूठ मारदे ने की मर्जी करदे ने 2014 दे शुरू च ते इन्हां दी सरकार बन गई सी जे अकाली दल ने कुछ सही या नहीं कीता सी ते इन्हां दे कोल 4 साल सही करन वास्ते सीगे इन्हां ने ता कीता की हैगा ना लागू करना जरूरी सीगा। तोमर साहब ने कहा कि पंजाब दे किसानां नूं गलतफहमी है ओ यार की करदे ओ वड्डी गलतफहमी देश दी सरकार नूं हैगी जिहड़ा 11 बारी गलबात करन तों बाद भी इन्हां नूं किसानां दी गल ही नहीं समझ आ रही तां मैनूं लगदा है कि गलतफहमियां इन्हां दे मन च सरकार दे मन च पैरवी कर लेंदे ते अज एक साडे किसानां दा हाल नहीं होंदा ते अज भी जद इन्नी तशद्दद साडे किसानां दे 70 दिनां तो हो रही है कैप्टन साहब ने एक बारी अपनियां दे विच जाके अपना दा हाल चाल नहीं पता कीता जद 26 जनवरी नूं साडे मुंडे चके गए ने अज ताईं उहनां दा मुंडिया दा जद अकाली दल ने एक हैल्पलाइन नंबर दिता एक टीम ऑफ लॉयर्स बिठाई उहदे बाद कैप्टन साहब ने ऐलान कीता हैगा लेकिन जिहड़ा उहनां दा फर्ज़ बनदा है कि दिल्ली जाके अपने अफसरां नाल बैठन एक एक बेकसूर नौजवान नूं बाहर कढ़न उन्हां दे खिलाफ जिहड़े केस का उन्हां केसां नूं बंद करन ते इन्हां 200-300 मुंडिया दी जिंदगी खराब ना होए कीती गई हले तक। ओही तां मैं कह रही कि 26 तरीक तों बंद करके रख्या होया है। मैं पुछना चाहुंदी हां कि लाल किले दे एपीसोड च लाल किले दे थाने विच एक भी FIR होई है ये अपने नौजवान बेकसूरां नूं फड़ के उन्हां नूं बिना किसी धर कोई FIR किए बिना इन्ना दिन का रख्या होया तो पंजाब सरकार जिदा फर्ज बनता है वो सरकार कर की रही है। अज की लोड़ है कि कैप्टन साहब अपने लोगों के पैसों के नाल जिहड़े बैठे हुए ने खुरद मुरद कर रहे हैं पैसे शरेआम लुट कर रहे ने अपने फार्म हाउस तो बाहर निकलन ते लोकां दी तकलीफां दे ओदे नाल जाके उनां दे वास्ते हल करन लई अपना काम कर रहे हैं। तोमर जी ने कहा है कि पंजाब ही विरोध कर रहा है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। तोमर जी ने कहा मैं किसी सरकार के बारे कुछ नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल गलत फहमी है देश भर में आंदोलन हो रहा है हर राज्य के किसान उधर बैठे हैं जो अब भी वो आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि एक ही राज्य का तो उनकी गलतफहमी कोई दूर नहीं कर सकता क्योंकि गलतफहमी में रहना चाहिए।